हेलो गाइस, आज फिर से मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जिसमें 10th क्लास की इंग्लिश का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके सारे एमसीक्यूज क्लियर कराने वाला हूँ। बने रहिए आप वीडियो के एंड तक, इसके लास्ट वाले आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और पूरे लेसन को एक बार में रिवाइज करें। आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, इनॉग्रेशन डे कब था, यानी कि उनका शपथ ग्रहण समारोह कब था, नेल्सन मंडेला का शपथ ग्रहण समारोह कब था। ऑप्शन आपके पास है 10th में 10th मार्च, 20 में 20 मार्च। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आंसर माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा। तो चलिए, आंसर हमारा है 10th मई, यानी 10 मई के दिन नेल्सन मंडेला का शपथ ग्रहण समारोह किया गया था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज सेलिब्रेशन ऑफ अ साउथ अफ्रीका फर्स्ट गवर्नमेंट। फर्स्ट कौन सी गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की पहली ऐसी कौन सी सरकार थी जिसका सेलिब्रेशन हुआ। ऑप्शन है ऑटोक्रेटिक रेसियल, दूसरा है डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल, तीसरा है डेमोक्रेटिक रेसियल और चौथा है मोनार्क या फिर नॉन रेसिकल। यानी कि आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार में से आपको, इसमें से ऑटोक्रेटिक जो वर्ड है इसका मतलब आपको बता देता हूँ, उसका मतलब होता है निरंकुश सरकार। और लास्ट में मोनार्क शब्द दिख रहा है, इसका मतलब होता है राजाशाही, यानी शाही, यानी कि क्या नौकरशाही, सॉरी तानाशाही जैसी सरकार। तो यहाँ पर आपने चार ऑप्शन देखे, इनमें से एक ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेसियल, डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल, यानी कि प्रजातांत्रिक और गैर जातीय। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा तीसरा, हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेजिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने उपराष्ट्रपतियों का वहाँ चुनाव हुआ। 2, 3, 1, नन, बताइए, दो या तीन या एक या कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, वाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ अन्य देशों ने अपने राजनीतिक संबंधों को क्यों तोड़ लिया था। ऑप्शन है वाइट रूलर्स की वजह से, अदर कंट्रीज आर रेसियल इसीलिए, इट इज़ अ पुअर कंट्री, ये एक गरीब देश था इसलिए, अपार्थाइड पॉलिसी यानी भेदभाव की नीति से। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर। सो आइए, द राइट आंसर इज अपार्थाइड पॉलिसी, मतलब यहाँ पर भेदभाव बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इसीलिए अन्य देशों ने अपने संबंध इस देश से ख़त्म कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो क्या परिवर्तन लाए। एंड ऑफ द अपार्थाइड, ह्यूमैनिटी, पीस, ट्रेड नेगोशिएशन। तो इन चार में से एक ऑप्शन हमारा सही है, और जो सही आंसर है वो है एंड ऑफ अपार्थाइड, यानी कि जो भेदभाव था, जो रंग भेद की जो नीति थी उसका समापन इन लोगों ने कर दिया था। वी थैंक ऑल ऑफ आवर, क्वेश्चन नंबर 6, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंगाइज्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर, मतलब कि एक स्टेटमेंट है जो कहा गया है कि बाहर से आए हुए जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे मेहमान हैं उन्होंने हमारे देश के लोगों के साथ आज इस कार्यक्रम में भाग लिया, और आज की जो विक्ट्री है वो कॉमन विक्ट्री है, वो किसके लिए है, जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी या फिर ये सब। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेट फ्रॉम, वो क्या चीज़ थी जिससे देश को ज़रूरत थी आज़ाद होने की, क्या चीज़ थी वो, पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सभी से हमारे मतलब साउथ अफ्रीका को आज़ाद होने की ज़रूरत थी। अगला क्वेश्चन बनता है, वी हैव अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन। तो बच्चों, इमेंसिपेशन का यहाँ पर क्या मतलब है, आपके सामने चार ऑप्शन है, फ्रीडम ऑफ रेस्ट्रिक्शन, इंसलेवमेंट, स्लेवरी या फिर बोथ 2 और 3। तो यहाँ पर जो इमेंसिपेशन का मतलब है वो है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो उनके बंधन थे यानी प्रतिबंध थे उनसे आज़ादी। अगला क्वेश्चन है, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वॉज डिस्प्ले ऑफ, यानी कि जो सेलिब्रेशन के दौरान जो
जो शानदार नज़ारा जो जेट्स विमानों ने बनाया था वो क्या दर्शाता है? मिलिट्री प्रसीजन, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बोथ वन एंड टू और नन ऑफ द अबव, बताइए इन चारों में से। या प्रसीजन का मतलब होता है सक्रियता, सक्षमता। तो करेक्ट आंसर बोथ वन एंड टू, यानी कि मिलिट्री की सक्षमता सतर्कता और मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र के लिए वहाँ की मिलिट्री की लॉयल्टी। अगला आंसर आता है व्हाट कलर डज द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग पजेस, नए साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के आज़ाद होने के बाद वो कलर का रंग क्या था? तो ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू गोल्ड, दूसरा ऑप्शन ब्लैक रेड येलो ब्लू एंड गोल्ड, थर्ड ऑप्शन ऑरेंज ब्लैक येलो ब्लू एंड सिल्वर एंड फोर्थ ब्लैक ब्लू वायलेट सैफरन एंड ग्रीन। फटाफट आंसर बताइए। द आंसर इज ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, यानी कि हमारा पहला आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आता है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट ह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, व्हाट स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट, यानी कि दे मतलब जो स्ट्रक्चर बना दिया गया था जो हार्शेस्ट था, मोर इनह्यूमन था, गैर अमानवीय था, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया था समाज में जो उस समय जाना जाता था, वो स्ट्रक्चर क्या है जिसके बारे में नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं? वो है रेसिकल डोमिनेशन, रेसियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्ड, पॉवर्टी एंड सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, ऑपरेशन ऑफ वुमेन। इन चार में से एक है, कौन सा है? आई थिंक इट्स फर्स्ट, रेसियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्ड, यानी कि जो जिन लोगों की काली स्किन थी उनके लिए जातीय दबदबा, उनको दबा के रखना। अगला क्वेश्चन हुम डिड मंडेला वांटेड टू थैंक बट कुड नॉट, नेल्सन मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए? सॉरी, क्वेश्चन इज हिज फैमिली वाइट रूलर्स या अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड और मिलिट्री, चार ऑप्शन है किसको धन्यवाद देना चाहते थे। ऑप्शन सी इज एक्यूरेट है, अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, वो अफ्रीका के जो देशभक्त थे जो अब जिंदा नहीं थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्रूटलिटी हैड, यानी कि कई दशकों तक की जो अमानवीय था या लोगों पर दबाव था क्या इफेक्ट पड़ा? क्रिएटेड आंसर है क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जेनरसिटी, पॉवर्टी एंड सफरिंग, बाइकॉट फ्रॉम फॉरेन नेशंस और डी बोथ टू एंड थ्री, करेक्ट आंसर जल्दी बताइए। ये रहा क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जेनरसिटी, यानी कि उन पर अत्याचार तो हुए लेकिन जब नए लोग तैयार हुए तो उनके अंदर असाधारण करेज बुद्धिमता और जेनरसिटी यानी सज्जनता भी उनके अंदर थी, समझदारी थी। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है नेल्सन मंडेला के द्वारा? बताते हैं मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स और पीपल, क्या है सबसे बड़ी दौलत? तो करेक्ट आंसर इज डी पीपल, लोग ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं किसी भी राष्ट्र की, जो कि नेल्सन मंडेला जी ने बताया। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मंडेला लर्न फ्रॉम करेज, करेज से नेल्सन मंडेला जी ने क्या सीखा? करेज हिम्मत साहस, करेक्ट आंसर इट इज़ द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज़ द ट्रम्प ओवर फियर, बोथ वन एंड टू और नन ऑफ द अबव, तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इट इज़ द ट्रम्प ओवर फियर, यानी डर पर जीत पा लेना ही हिम्मत है, ऐसा नेल्सन मंडेला जी सीखते हैं। अगला क्वेश्चन व्हाट आर मैंस ऑब्लिगेशन इन लाइफ, इंसान की जिम्मेदारियां क्या है जिंदगी में? तो जिम्मेदारियों में चार ऑप्शन आते हैं ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू गॉड, बोथ वन एंड टू, किसके प्रति सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है? आंसर इज बोथ वन एंड टू, अपना परिवार और अपने लोगों के लिए हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए? टू इम्प्लाय यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ द रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, टू मार्क द एंड ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और बोथ वन एंड टू,
इन चार में से एक आंसर सही है. सो आंसर इज बोथ वन एंड टू, यानी कि इम्प्लाई यूनिटी, यानी एकता को दिखाने के लिए, एकता को लागू करने के लिए, और दूसरा टू मार्क द एंड ऑफ द रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, और इसीलिए भी कि वहाँ पर जो जातीय भेदभाव था उसका भी अंत हुआ था. अगला क्वेश्चन है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला. मंडेला जी के हिसाब से हमारे दिल में स्वाभाविक रूप से क्या आ जाता है, क्या आता है, क्या क्रिएट हो जाता है? ऑप्शन हेटर्ड, यूनिटी, लव, रेसियल डिस्क्रिमिनेशन. नफरत, एकता, प्रेम और जातीय भेदभाव क्या पैदा होता है? आंसर इज लव. ये मोर मतलब ज़्यादा स्वाभाविक है इंसान के अंदर उत्पन्न होना. क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, यानी बचपन की स्वतंत्रता के बारे में मंडेला जी को क्या रियलाइजेशन है, यानी क्या सोचते हैं वो, क्या एहसास? तो चार ऑप्शन है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन, ही वॉज बॉर्न फ्री, फ्रीडम वॉज मेड फॉर किड्स, ही हैड नो रियलाइजेशन. इन चार में से एक आंसर सही है, जिसका ऑप्शन है ए, इट इज जस्ट अ इल्यूजन, एन इल्यूजन, ये सिर्फ एक भ्रम था बचपन में, केवल उनको भ्रम था कि वो आज़ाद जिंदगी जी रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट बिगन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, क्या बात थी जिससे मंडेला जी को फ्रीडम की भूख थी? चार ऑप्शन, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पीपल, हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फैमिली, ही वॉज बॉर्न टू फाइट. क्या चार में से व्हाट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही है, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, ये सत्य, ये जानते, ये पता चल गया था उनको कि जो आज़ादी है ना उससे पहले ही छीन ली गई है. क्वेश्चन नंबर 21, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, कौन सी पार्टी को मंडेला जी ने ज्वाइन किया? करेक्ट आंसर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या फिर ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. क्वेश्चन नंबर 22, अ मैन हु टेक्स अवे अदर मैंस फ्रीडम इज, वो व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी को छीन लेता है वो है, क्या है वो? वाइट है, या फिर अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड है, या क्रिमिनल है, या फिर र्यूड है? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर है जो है बी, अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, यानी कि वो भी नफरत में कैद है, यानी उसके अंदर भी नफरत पड़ रही है. तो जो दूसरों की स्वतंत्रता लेता है तो उसके अंदर वो कहलाता है अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड. करेक्ट 23 आंसर. क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला जी के हिसाब से कौन है जो आज़ाद नहीं है? ए बी सी डी ऑप्शन चार है, एक में ऑपरेसर, एक में ऑप्रेस्ड, एक में वन एंड टू, और चौथा है नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स सी, बोथ वन एंड टू, यानी ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, यानी दमनकर्ता और जिस पर दमन हो रहा है दलित, वो दोनों ही फ्री नहीं है, दोनों के मन में दुख और नफरत होती है. हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी मंडेला जी की जो भूख थी स्वतंत्रता की उससे जिंदगी कैसे बदल गई? तो ऑप्शन चार है इसके अंदर. पहला ऑप्शन है टर्न फ्रॉम फ्राइटेन टू बोल्ड, यानी कि डरे हुए से बहादुर हो गए. टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल, कानून को मानने वाले एक अपराधी बन गए. टर्न अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक गृहस्थ जिंदगी जीने वाले व्यक्ति की से बदलकर एक संत बन गए, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ हुआ. तो करेक्ट आंसर इज सब, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी उनके अंदर बहुत सारा चेंज आया. 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, यानी कि जब हम किसी को दमन करते हैं तो क्या क्रिएट होता है, क्या उत्पन्न होने लगता है? आंसर चार है, ऑपरेस्ड, हाइट ऑफ कैरेक्टर, पॉवर्टी, लैक ऑफ फ्रीडम, क्या क्रिएट हो जाता है? तो करेक्ट आंसर इज हाइट ऑफ कैरेक्टर, यानी हमारे कैरेक्टर्स की हाइट में चेंज आ जाता है, यानी हम औरों से अलग हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट कर लेते हैं. ये सारे के सारे आंसर थे चैप्टर नंबर 2 के, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. आई होप आपने ये सारे आंसर्स को अच्छे से समझा होगा, और अगर डाउट है तो एक बार दोबारा देख लीजिए, सारे के सारे आंसर आपको याद हो जाएंगे. और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना. चलिए हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.